हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड अदर एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन, यानी रियासत और दीगर अदारों में या तंजीमों में क्या फर्क है। इंसान एक सामाजिक जानवर है और समाज में वो मुख्तलिफ जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारी तंजीमें बनाता है, अदारे बनाता है। रियासत भी एक अदारा ही है लेकिन तमाम अदारों से बाहर आता है। तो आइए हम समझते हैं कि एक रियासत में और उसमें कायम होने वाले अदारों और तंजीमों में क्या फर्क है। तो सबसे पहला मुद्दा है एरिया ऑफ ऑपरेशन। एक रियासत, एक मुमलिकत जो भी कानून बनाती है, जो भी पॉलिसियां बनाती है, वो अपने सरहदों के अंदर, यानी उसके काम करने का दायरा महदूद है, एक सरहद के अंदर है। लेकिन अदारों के लिए और तंजीमों के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं, उनके लिए कोई सरहदें नहीं होती, कोई बाउंड्रीज नहीं होती। वो अपने काम को जो है सरहदों के बाहर मुख्तलिफ रियासतों में दुनिया के कोने कोने में भी अंजाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम रेड क्रॉस सोसाइटी या WHO को ले सकते हैं। दूसरा नुक्ता है स्टेट इज मल्टीपर्पस। देखिए, हम कोई भी तंजीम बनाते या अदारा बनाते हैं तो किसी एक खास मकसद के तहत। अगर हम मान ले एक तंजीम है जिसका ताल्लुक जो है स्पोर्ट्स है, तो खेल के सिलसिले में, स्पोर्ट्स के सिलसिले में तमाम अकदाम को उठाएगा। अगर कोई एक ऐसी तंजीम हम कायम करते हैं जिसका मकसद मजहब से जुड़ा हुआ है, तो मजहबी नुक्ते नजर से मजहबी मामला को अपने काम को अंजाम देगा। लेकिन एक रियासत जो है वो मल्टीपर्पस, इंसान की समाजी, सियासी, माजी, सकाफती, अदबी तमाम तर जरूरतों को वो पूरा करती है। तो कोई अदारा जो होता है किसी एक मकसद पर वो बनना होता है, लेकिन रियासत तो तमाम मकासिद को जो है पूरा करती है। स्टेट इज परमानेंट, तंजीमें बनती हैं, अदारे बनते हैं, कुछ वक्त तक काम करते हैं, फिर जो है अपना तकाजा अपने मकसद को पूरा करने के बाद या किसी तफरके के आने के बाद, तफाकियों के आने के बाद उन तंजीमों और अदारों का खात्मा हो जाता है। लेकिन रियासत का वजूद दायमी, अगर एक बार वो कायम हो गया तो रहती दुनिया तक वो वजूद में रहता है। यानी तंजीमी या अदारे जो होते हैं वो वक्ती तौर पर होते हैं, लेकिन रियासत का कायम जो है वो मुस्तकिल होता है, परमानेंट होता है। सिंगल एंड मल्टी मेंबरशिप। देखिए, हम किसी भी तंजीम या अदारे, बहुत सारे तंजीम और बहुत सारे अदारों के मेंबर हम एक साथ हो सकते हैं, लेकिन एक वक्त में हम किसी एक रियासत के ही शहरी हो सकते हैं। यानी तंजीमों के सिलसिले में जो उसकी मेंबरशिप की हद है वो महदूद नहीं है। आप चाहे 50 तंजीमों के मेंबर बन जाए, लेकिन आपको शहरी तो किसी एक रियासत का ही रहना होगा। अगला मुद्दा है कंपल्सरी मेंबरशिप। हम तंजीमों से जुड़े न जुड़े, हम अदारों के मेंबर हो ना हो, जिंदगी गुजारना मुमकिन है, लेकिन हमको अपनी जिंदगी में किसी न किसी एक रियासत का मेंबर, किसी न किसी रियासत का शहरी बनना ही होगा। यानी मेंबरशिप ऑफ स्टेट इज कंपल्सरी, हमको शहरी तो किसी रियासत का बनना ही है और तंजीमों के मेंबर हम बने ना बने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा आखिरी और सबसे अहम नुकता है सॉवरेनिटी, यानी इख्तदार आला। इख्तदार आला एक ऐसी ताकत है जो सिर्फ रियासत को ही मयस्सर है। एक रियासत तमाम पॉलिसियां, तमाम कानून जो है बगैर किसी दबाव के बनाती है, उस पर कोई प्रेशर नहीं होता है। लेकिन एक अदारा, एक तंजीम अपनी तमाम पॉलिसियां, तमाम जो फैसले हैं वो आजादाना तौर पर नहीं कर सकती, बल्कि उनको रियासत के उसूलों का कारमंद रहना पड़ता है। यानी तंजीम के पास, अदारे के पास अपना इख्तदार आला नहीं होता, जबकि रियासत की सबसे बड़ी खसूसियत इख्तदार आला है। दैट्स ऑल।